नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने जेनेरिक दवाओं के बारे में तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते होंगे कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी सस्ती होती हैं। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है कि जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में अंतर क्या होता है। ये जेनेरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है? क्या जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी में अंतर होता है? और ये जेनेरिक दवाइयाँ आखिर मिलती कहाँ है? दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मेडिसिन कंपनी किसी नई मेडिसिन की खोज करती है तो वो उसका अपने नाम से पेटेंट करवाती है और ये पेटेंट लगभग 20 सालों के लिए होता है। और जब तक वो मेडिसिन पेटेंट में है तब तक उस मेडिसिन का निर्माण और उस पर आगे रिसर्च केवल खोज करने वाली कंपनी ही कर सकती है, या फिर वो कंपनी कर सकती है जिसने खोजकर्ता कंपनी से पेटेंट खरीदा हो या उस मेडिसिन के निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग के अधिकार प्राप्त किए हों। और इन अधिकारों यानी कि राइट्स के बदले उस खोजकर्ता कंपनी को रॉयल्टी दी जाती है। और जब उस मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है तो उस मेडिसिन को पब्लिक कर दिया जाता है, यानी कि अब इन्हें कोई भी कंपनी बना सकती है और इन्हीं को जेनेरिक दवा कहा जाता है। तो आमतौर पर सभी मेडिसिन एक तरह का केमिकल या सॉल्ट होती हैं और इन्हें रिसर्च के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो जिस केमिकल या सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पैरासिटामोल एक केमिकल या सॉल्ट है जो दर्द और बुखार के काम आता है। तो अगर कोई कंपनी इसे इसी नाम से यानी कि पैरासिटामोल के नाम से बेचे तो इसे जेनेरिक मेडिसिन कहा जाएगा। लेकिन जब इसी मेडिसिन को किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचा जाए तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड मेडिसिन कहलाती है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए जेनेरिक मेडिसिन 10 पैसे से लेकर 1.5 रुपए पर टेबलेट के हिसाब से मिल जाती है, जबकि ब्रांडेड दवाओं में ये मेडिसिन 1 रुपए से लेकर 35 रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, की जानलेवा बीमारियों जैसे कि HIV, लंग कैंसर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के लिए ज्यादातर पेटेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हैं और ये कंपनियां इन्हें अलग अलग ब्रांड से बेचती हैं। लेकिन अगर यही दवाएं जेनेरिक में उपलब्ध हो जाए तो इलाज का खर्च 200 गुना यानी कि 200 टाइम्स तक घट सकता है। जैसे कि HIV की दवा टेनोफिविर और एफावीरेज की ब्रांडेड दवाइयों का खर्च लगभग $2,500 यानी कि करीब ₹1,75,000 है, जबकि जेनेरिक मेडिसिन में यही खर्च $12 यानी कि महज ₹840 महीने तक हो सकता है। हालांकि इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही होता है, तो ऐसे में ये मेडिसिन इन अस्पतालों में या वहाँ के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं। ऐसे ही नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लिवियो इमिटेनिब मिसाइलेट का एक महीने का खर्च $2,100 यानी कि करीब ₹1.5 लाख पड़ता है, जबकि जेनेरिक में इस दवा का खर्च $174 पर मंथ तक हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी में कोई फर्क होता है? तो आपको बता दूं कि आमतौर पर इनमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन देश में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जो ब्रांडेड और जेनेरिक दवा की क्वालिटी को कंपेयर कर सके। हालांकि गैर ब्रांडेड दवा खासकर सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली कुछ दवाओं की क्वालिटी में कमी सामने आई थी। और 2012 की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2010-11 में सेना के मेडिकल स्टोर के लिए खरीदी गई 31% दवाएं निम्न स्तर यानी कि लो लेवल की थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से जून 2019 के बीच जेनेरिक दवाइयों की जांच की गई 18 फार्मा कंपनियों के 25 बैचों की दवाएं क्वालिटी के लिहाज से सही नहीं थी और इनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं, और जबकि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनकी कीमत सरकार तय करती है और साथ ही इनके प्रचार प्रसार पर भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। तो इस वजह से जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती होती हैं। जेनेरिक दवाइयां कहाँ मिलती हैं? तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जुड़े जन औषधि केंद्र पर ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती हैं और देश भर में करीब 5,395 जन औषधि केंद्र हैं और जहां पर कैंसर सहित कई बीमारियों की दवाएं मिलती हैं। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी जेनेरिक दवाइयां लिखने को कह सकते हैं और इसके बाद आप मेडिकल स्टोर या केमिस्ट से भी ब्रांडेड दवाइयों की जगह अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाइयों की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सस्ती यानी कि जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दुनिया भर की डिमांड की 20% दवाइयां भारत सप्लाई करता है।
अमेरिका में 40% और यूके में 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को जेनेरिक दवाइयों से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।